सरकार ने आखिरकार क्या राहत दी है? कहने को सरकार ये कहती है डबल इंजन की सरकार है, लेकिन राहत किसानों को क्या दी है? जानवर बड़े पैमाने पर बीमार हैं, उनकी जान गई है, क्या सरकार मदद कर रही है उन किसानों की? सड़कों पर गड्ढे हो गए हैं, पूरे उत्तर प्रदेश में आप देख करके आ जाइए, सड़कें डूब गई हैं, सड़कें गड्ढे में बदल गई, लेकिन सड़कों की मरम्मत कौन करेगा? बिजली महंगी, हर चीज महंगी होती चली जा रही है। जो सपने दिखाए थे नौजवानों को कि नौकरी रोजगार मिलेगा, ये अनएम्प्लॉयमेंट रेट तो बताते हैं, लेकिन एम्प्लॉयमेंट रेट क्यों नहीं बताते हैं? सर, आज पैदल और दूसरा उस दिन का जवाब लोग इसके साथ साथ सरकार आखिरकार $1 trillion की इकोनॉमी कैसे बनाएगी? अगर हमारा किसान बर्बाद हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा, व्यापार नहीं बढ़ेगा, रोजगार नौकरियां नहीं मिलेंगी, तो आप क्या सपना देख रहे हो $1 trillion इकोनॉमी का? इसलिए समाजवादी पार्टी ने और सभी दलों ने, आरएलडी ने भी साथ मिलकर के आज वॉकआउट किया है। बड़े पैमाने पे किसानों के गन्ने का भुगतान नहीं हुआ है, आज भी चीनी मिल किसानों के गन्ने का भुगतान नहीं कर पाए हैं। स्वास्थ्य के जो सवाल किए गए थे, आज भी लोग स्टेशन नहीं मिल रहा, लोग एम्बुलेंस में पहुंच नहीं रही गांव में। आखिरकार एम्बुलेंस क्यों नहीं पहुंच रही गांव में? कौन रोक रहा है एम्बुलेंस गांव में ना जाए? किसी अस्पताल में दवाई नहीं है, पीएससी सीएससी में डॉक्टर्स नहीं है, इलाज कहाँ कराए गरीब जाकर के? जो बड़े अस्पताल है वहाँ भी पर्चा तो बढ़ा दिया, ₹100 का कर दिया, लेकिन सुविधाएं क्या बढ़ाई है बता दो? डॉक्टर्स की जो कमी है उसको पूरी क्यों नहीं कर रहे? भर्ती क्यों नहीं निकाले? भर्ती के नाम पर आउटसोर्स करें और साजिश कर करके सरकार क्या कर रही है नौकरी देने में? जो पहले संविधान में भर्ती थे वो संविधान में निकाले जा रहे हैं। उदाहरण के लिए सैफई मेडिकल कॉलेज जो बना है, यूनिवर्सिटी है जो, उसमें संविदा में पिछले कई वर्षों से नौकरी कर रहे थे लोग, सरकार उनको निकाल देगी, नए नौकरी देना चाहती, अपने मन मर्जी कंपनी को टेंडर देना, अपनी मन मर्जी किससे संविदा पे रखना, ये क्या सरकार कर रही है? सर, पैदल मार्ग आगे की रणनीति, पहले दिन आपको अनुमति नहीं मिली थी, आज आपने पैदल मार्ग निकाला, आपको जानकारी होनी चाहिए। ये आप कम से कम आपको ये नहीं कहना चाहिए कि अनुमति नहीं। मान लीजिए कोई सदस्य है जो सदन जाना चाहता है, पैदल जाना चाहता है, और हमने या समाजवादी पार्टी के सभी सदस्यों ने ये कहा कि पहला दिन सदन का है, हम पैदल जाएंगे सदन तक। जो सरकार ने रूट तय किया था उस रूट पर सहमति हो गई थी। आखिरकार रात में वो रूट किसने बदला, किसके दबाव पर बदला गया? तो आज क्या रणनीति तय हुई? सदन तो जाएंगे नहीं, सदन जाना और सदन आना सरकार रोक नहीं सकती। अब क्या तय हुआ? हमारी मांग है कि सदन का समय बढ़ाया जाए, हम कुर्सियों पे बैठ जाएंगे जाके। अभी अब सदन को, अब सदन कैसे, जब सदन का वॉकआउट कर दिया है तो अब सदन में कैसे बैठेंगे? सरकार सदन का समय बढ़ाए, हम अभी बैठ जाएंगे जाकर के वहाँ। कार्यकाल पहले भी मांग की थी, लेकिन सरकार ने सदन का 4 ही दिन का कार्यक्रम रखा, बजट अभी गांव में नहीं पहुंचा, मंत्री बोलना चाहेंगे जवाब नहीं दे रहे मंत्री। आखिरकार बजट इतने दिनों बाद भी जिलों में क्यों नहीं पहुंचा? कई विभाग हैं जिनका बजट अभी जिलों में नहीं पहुंचा है। समाजवादी पार्टी की अब आगे जब सदन आएगा तब सदन पूरे सदन में आपने सरकार को घेरा, आगे क्या रणनीति बनाएंगे? सरकार को जगाते हैं समय समय पर, सरकार से सवाल पूछते हैं, सरकार को उनका जवाब देना चाहिए। आखिरकार सूखा है, बाढ़ है, सरकार क्या राहत पहुंचा रही है? महंगाई है, उसके लिए क्या कदम उठाए हैं? रोजगार नौकरी के लिए क्या कदम उठा रहे हो? आप $1 trillion इकोनॉमी बनाना चाहते हो, लेकिन शिक्षण संस्थाओं को बर्बाद कर दोगे आप, इन्वेस्टमेंट आया नहीं। कहते हो उत्तर प्रदेश में बड़े बड़े कारखाने लग गए हैं, किसी जिले में कारखाना लगाओ तो बता दीजिए आप। आजम खान के मुद्दे पर आजम खान देखिए, ये आदरणीय आजम खान साहब को जानबूझ करके परेशान करना चाहते हैं। पहले भी जेल उन्होंने भेजा, कोरोना में यूनिवर्सिटी में जो जो हुआ वो सबके सामने है, जानबूझ करके साजिश सरकार कर। अखिलेश जी, सर्वे करवाए खोट नहीं है तो हम सर्वे करवाएंगे, समाजवादी पार्टी का क्या रुख होगा? पहले सरकार ये कहती थी कि हम मदरसों को मॉडर्न करेंगे, उनके संस्थाओं को बेहतर करेंगे, उसके लिए बजट देंगे। सरकार ये बताए मदरसों की पढ़ाई को बेहतर करने के लिए क्या इंतजाम किया उन्होंने? और जहाँ इनको केवल मदरसे नहीं, हम तो ये दूसरी बात कहते हैं, संस्कृत के विद्यालय क्यों बंद हो रहे हैं?
संस्कृत यूनिवर्सिटी को क्यों बजट नहीं दिया जा रहा है, संस्कृत के गुरुजन जो पढ़ाना चाहते हैं उनको सुविधाएं क्यों नहीं दे रहे हैं। आप संस्कृत को बढ़ाइए और मदरसों में अगर आप अच्छी पढ़ाई करा सकते हैं आप बजट दीजिए उनको भी, वो भी पढ़ाई लिखाई करें। केवल आपकी चुनाव पे नजर है, समाज में बंटवारा रहे, जाति धर्म का झगड़ा लगा रहे, यही सरकार की मंशा है।